कुत्ते को चुप करा लो भाई। ऑल हेल स्टीव जॉब्स। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है अपकमिंग फोन्स के बारे में जो कि सितंबर में आने वाले हैं। अपकमिंग फोन्स यानी कि वो फोन जिनका आपको वेट करना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है, तो ऐसे ही सब्र का फोन भी मीठा हो सकता है अगर आप सही समय पे वेट करें और सही समय पे सही फोन लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपकमिंग फोन्स के बारे में बात करने की। तो पहले बात करते हैं Xiaomi की। जी हाँ, Xiaomi ने एकदम से धूम मचा दी है। दोबारा से एक नहीं, दो नहीं, तीन फोन लॉन्च करने वाले हैं Xiaomi। जी हाँ, तीन फोन, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro, यानी कि तीन फोन लॉन्च होंगे 5 सितंबर को इंडिया में। यहाँ पे Redmi 6 Pro जो है वो आएगा नॉच डिस्प्ले के साथ, साथ ही साथ Snapdragon 625 के साथ, साथ ही साथ फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ और 12+5 मेगापिक्सल वाला कैमरा जो कि आपको Redmi Note 5 में मिलता है। तो Redmi Note 5 इतना ज्यादा बिक नहीं रहा है और मुझे लगता है कि Xiaomi इसको रिप्लेस करेगा Redmi 6 Pro के साथ, जो कि एक नया नाम होगा और साथ ही साथ उसमें नॉच भी मिलेगा। तो हो सकता है कि कुछ लोग वहां पे जाके उसे ले लें और मुझे लगता है कि Redmi 6 Pro तकरीबन 10,000 से 11,000 के बीच में शुरू होना चाहिए, 32+3 GB वाला, और इसमें और वेरिएंट जो मिलेगा वो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। अगर हम बात करें एक और फोन की जो कि Xiaomi की तरफ से आने वाला है, वो है Redmi 6। जी हाँ, Redmi 6 बेसिकली मिड रेंज में होगा और Redmi 6 में आपको मिलेंगे डुअल कैमरा। जी हाँ, Redmi 6 में डुअल कैमरा मिलेंगे, 18:9 वाला डिस्प्ले मिलेगा, नॉच Redmi 6 में नहीं मिलेगा। साथ ही साथ Redmi 6 के अंदर आपको हो सकता है कि नया वाला Qualcomm के जो चिपसेट Snapdragon 429 या 430 मिल सकते हैं। हालांकि अभी अगर देखें Redmi 6 की कॉन्फ़िगरेशन, तो चाइना में इनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखें तो इसमें आपको MediaTek का कुछ चिपसेट मिलता है, लेकिन अभी तक Xiaomi का पूरी हिस्ट्री रही है कि वो MediaTek चिपसेट वाले फोन इंडिया में लॉन्च नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि Redmi 6 में MediaTek चिपसेट होगा, लेकिन अगर हुआ तो वो एक नई शुरुआत हो सकती है Xiaomi के लिए। अब हम बात करते हैं Redmi 6A की। Redmi 6 से कुछ इस तरह से है कि उसमें भी आपको 18:9 डिस्प्ले मिलेगा और साथ ही साथ उसमें आपको MediaTek का A22 वाला नया चिपसेट या फिर Snapdragon 430 मिल सकता है और ये फोन भी अगेन बढ़िया होगा। अब हम बात करते हैं एक और फोन जो कि आने वाला है और ये है Vivo की तरफ से, Vivo V11 Pro। ये आएगा सितंबर 6 को और इसमें मिलेगा आपको Snapdragon 660। इसकी प्राइसिंग होगी थोड़ी सी ज्यादा, 25,000 के आसपास इसे आप मान सकते हैं। इसमें आपको 12+5 के डुअल कैमरा मिलेंगे, 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा और साथ ही साथ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। जी हाँ, AMOLED डिस्प्ले होने की वजह से ये फोन और भी बढ़िया है और इसके अलावा इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। तो Vivo के इस फोन के अंदर आपको तीन चीजें बढ़िया मिल रही हैं, 25 मेगापिक्सल का कैमरा, AMOLED डिस्प्ले और साथ ही साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये सारी चीजें इस फोन को स्पेशल बनाएंगी और इसी वजह से ये महंगा हो जाएगा, तकरीबन 25,000 रुपए का ही आपको मिलेगा। इसके बाद एक और फोन है जिसकी लॉन्च डेट अभी पता नहीं है, लेकिन ये फोन इंडिया में जरूर आएगा और इसका नाम है Honor 8X Max। Honor 8X Max बेसिकली एक ऐसा फोन है जो कि फैबलेट आप सोच सकते हैं। Honor 8X Max जो है तकरीबन 7.1 इंच का 18:9 डिस्प्ले वाला डिवाइस है, फैबलेट वाला डिवाइस है। क्रिम 710 है इसके अंदर, A73 के 4 कोर्स हैं इसमें, जो कि क्लॉक्ड है 2.2 GHz पे, परफॉर्मेंस बढ़िया हो सकती है इसकी। और साथ ही साथ इस फोन में या फैबलेट में आपको 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, 20 मेगापिक्सल प्लस 2 का रियर कैमरा मिलेगा जो कि डुअल कैमरा होगा। तो देखा जाए तो फैबलेट होने के साथ साथ इस फोन के अंदर कैमरा भी अच्छे हैं और साथ साथ प्रोसेसर भी इस फोन में अच्छा है। और ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि शायद ये फोन इंडिया आ जाए, हालांकि इसके चांसेस थोड़े से कम है, बाकी और फोन तो डेफिनेटली आ ही रहे हैं। इसके बाद एक और फोन जिसका हम सभी लोग वेट कर रहे हैं तब से जब से Realme 2 आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Realme 2 Pro की। Realme 2 Pro एक ऐसा फोन है जो कि आए तो धूम मचाना चाहिए, क्योंकि Realme 2 Pro के अंदर आपको नॉच तो मिलेगा ही, Snapdragon 636 मिल सकता है, 4GB 64GB वाला वेरिएंट मिलेगा, तकरीबन 12-13,000 रुपए से प्राइसिंग शुरू होगी, 4000mAh की बैटरी मिलेगी, 12+5 वाला डुअल कैमरा मिलेगा जो कि आपको Redmi Note 5 Pro में मिलता है। तो जो जो चीजें आपको Redmi Note 5 Pro में मिल रही थी वही चीजें आपको मिल सकती हैं Realme 2 Pro में। और ऐसे में Realme 2 Pro अगर ये सब चीजें लेके आ गया तो डेफिनेटली लोग अप्रिशिएट करेंगे। अब बात करते हैं iPhone, मेरी फेवरेट कंपनी एप्पल। यहाँ पे iPhone के दो वेरिएंट आने वाले हैं। जी हाँ, एक होगा iPhone XS। iPhone XS बेसिकली एक ऐसा वेरिएंट होगा जो कि थोड़ा लाइट होगा। ये
एप्पल की तरफ से एक ऐसा वेरिएंट है आईफोन 10 का जिसमें थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले, यानी कि 5.8 इंच जो कि 10 में मिलता है डिस्प्ले आपको, उससे हो जाएगा 6.1 इंच का डिस्प्ले, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी बदल दी जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलेगा LCD वाला, जबकि आपको आईफोन 10 में क्या मिल रहा था, OLED डिस्प्ले। लेकिन फिर भी ये डिस्प्ले अच्छा हुआ क्योंकि ये वही डिस्प्ले है जो कि आपको मिल रहा है 6 में 7 में, तो डिस्प्ले यहाँ पे फिर भी अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूँ कि ये सस्ता आईफोन होगा, यानी कि एक ऐसा आईफोन जो कि एप्पल के हिसाब से 70,000 रुपए का लॉन्च होगा इंडिया में, और एप्पल के लिए 70,000 रुपए सस्ता ही होता है। तो ऐसे में आईफोन XS या फिर 10S जो आएगा 70,000 रुपए का आएगा, LCD डिस्प्ले के साथ आएगा और उसमें आपको डुअल कैमरा भी नहीं मिलेंगे। तो आप सोचोगे कि XS के अंदर अगर इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस हो जाएंगे कि उसमें आपको डुअल कैमरा भी नहीं देंगे, उसमें LCD डिस्प्ले दे देंगे और बस डिस्प्ले का साइज बढ़ा देंगे, तो उसके बाद कौन लेगा ये फोन? भाई साहब मैं बता रहा हूँ, लाइन लग लग के बिकेगा ये फोन, लोग किडनी बेच बेच के लेंगे, किडनी के अलावा कुछ और बेचेंगे वो भी बेच के लेंगे। एक और फोन है आईफोन 10 का वेरिएंट जो कि आएगा, और ये है लास्ट फोन आज के अपकमिंग फोन में, और इसका नाम है आईफोन 10 प्लस या फिर एक्स प्लस। ये भी आएगा और ये फोन आएगा आपका 6.5 इंच डिस्प्ले। वैसे मैं एक बार बता दूं आपको, आईफोन XS, एक्स प्लस दोनों ही आपके बड़े डिस्प्ले के साथ आएंगे और दोनों में ही आपको नॉच डिस्प्ले मिलेगा। अगर नॉच कहीं नहीं जा रहा आईफोन 10 से, नॉच आपको मिलेगा ही मिलेगा, हालांकि आपको XS के अंदर या फिर आईफोन 10S के अंदर डुअल कैमरा नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं आईफोन 10 प्लस के बारे में या फिर X प्लस के बारे में, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। X प्लस में 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, OLED डिस्प्ले वैसे का वैसे रहेगा जैसा आईफोन 10 में, तो प्रीमियम क्वालिटी का डिस्प्ले, थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले इस फोन में आपको मिल जाएगा, डुअल कैमरा भी यहाँ पे मिले रहेंगे और बाकी सब चीजें वैसी ही रहेंगी जैसी आपको मिलती हैं आईफोन 10 में। हो सकता है प्रोसेसर थोड़ा सा और अपग्रेड हो जाए। तो कुछ इस तरह से थे सारे फोन जो कि आने वाले हैं इंडिया में सितंबर के अंदर, और ये फोन में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फोन एप्पल के है, क्योंकि हम तो एप्पल की तरफ ही जाते हैं। हम किसकी साइड है भाई? एप्पल की साइड है। अरे $1 trillion कंपनी की साइड नहीं जाएंगे तो और किसकी साइड जाएंगे, है भाई? ऑल हेल स्टीव जॉब्स। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको एंटरटेनमेंट मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। अगर मिली है ये सब चीजें तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूं। और लाइक बटन को लेके सब लोग भाग जाओ, जो जो क्लिक करेगा उसका लाइक बटन हो गया। मेरी तरफ से एक एक लाइक बटन सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।